नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा माही नगर निगम और पुलिस प्रशासन लंबे समय से चले वाले रसिया मोहल्ला के अतिक्रमण का हटाए दिन। अपना को बताए दी कि प्रशासन बिहन्ने मार्ग माही आवागमन बंद करके जेसीबी मशीन लेके अतिक्रमण कार्रवाई हटावे पहुंचा। अपना को बताए दी कि शिल्पी प्लाजा कोठी रोड से रसिया मोहल्ला माही सड़क के किनारे आवासीय झुग्गी झोपड़ियन का तोड़ तोड़ के बड़ी बड़ी दुकान बनाई दीन गई रही है, जहां मोटर वर्कशॉप खोले गए रहे। जोने के लाने आवे जाए वालन के साथ साथ स्थानीय लोगन का काफी दिक्कत होत रही है। यह अतिक्रमण के बारे में कई अगर की शिकायतों दर्ज की गई रही, जिसके बाद नगर निगम के अमला कार्रवाई करी है। भारी गहमागहमी के बीच जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव परिणाम आज घोषित होगा। जोने माही पचवे दर की लगातार राजेंद्र पांडे का जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुना गया है। अपने बता दें कि राजेंद्र पांडे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एडवोकेट विजेंद्र सिंह से 284 मतन के अंतर से विजयी घोषित भी हम। वहाँ उपाध्यक्ष के पद पर अशोक कुमार शुक्ला का चुना गया है। साथ ही सचिव खातिर रघुवंश प्रताप सिंह और सह सचिव पद खातिर देवेश कुमार वर्मा चुने गए हम। श्री राजेंद्र पांडे विजयी घोषित हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री विजेंद्र सिंह से 284 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष के लिए अशोक कुमार शुक्ला विजयी घोषित हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रत्याशी श्री तरणेंद्र सिंह टीपी सिंह से 43 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। सचिव पद हेतु श्री रघुवंश प्रताप सिंह सचिव पद के लिए विजयी घोषित हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रत्याशी श्री देवी शंकर ओझा से 76 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। अधिवक्ताओं को जिनने पांचवी बार मुझको अध्यक्ष बनाया है, जो हमारे मतदाता हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उन्हीं ने फिर से निर्वाचित किया है, तो सारा का सारा श्रेय और धन्यवाद के पात्र तो हमारे मतदाता हैं, जो अधिवक्ता भाई हैं। क्या करेंगे आप वकीलों के लिए? जो करते आए हैं वकीलों की सुरक्षा विकास और उनके जो भी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां फ्लिपकार्ट से जूता के खरीदारी करब एक युवक का महंगा पड़ेगा। अपना को बताई कि जूता के कीमत 4,181 रुपया बताई जा रहा है, जो उनके पूमा कंपनी के आए। वह है शाबिर खान बताएं कि 5 जनवरी का एक डिलीवरी कीन गई रही है। जोने के बाद वो बॉक्स खोल के चेक करें तो मैं एक ही गोड़े के दोनों जूता रहे हम। एक शिकायत तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से करें, जोने के बाद उनका आईडी का ब्लॉक कर दिन का भाई। तारीख को उन्होंने मेरी आईडी तक ब्लॉक कर दी और इस संदर्भ में उनसे बात भी कहीं आपने किया है उनके? जी जी, कई बार बात हुई और मैंने 2-3-4-5 बार उनसे जब कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात होती रही तो उसकी रिकॉर्डिंग भी रखी है मैंने, और हर बार उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपका काम 24-48 घंटे के अंदर हो जाएगा। किस कंपनी का शूज है? पूमा। पूमा कितने का प्राइस क्या है उसकी? 41-81 रुपए का। 41, मतलब दोनों एक ही पैर के? दोनों जूते एक ही पैर के हैं। अच्छा अच्छा,
तो मतलब एक तरह से कंपनी ने आपके साथ धोखा किया। जी जी बिल्कुल फ्रॉड किया, मेरी आईडी भी ब्लॉक कर दी उन्होंने जी। और किसी अन्य मोबाइल से बात करने पे भी वही कहते हैं कि दो चार दिन वेट कर लीजिए, कंपनी प्रोसेस में आपका काम लगाई हुई है, आपका काम हो जाएगा। महुआ के गुलाइंदा बरा में एक महिला बेहोशी के हालत में मिली, जोने की सूचना अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष अनु खान दहीन में अपने बताई की एक सूचना मिलता है थाना प्रभारी महुगंज श्वेता मौर्य गंभीर हालत में महिला का सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती करवाई नहीं हुए। वहाँ लोगन के माने तो दुई दिन से महिला गुलाइंदा बरा में लावारिस पड़ी रही, जोने के बाद पुलिस के सहयोग से अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष अस्पताल में भर्ती कराई नहीं, महिला के पहचान नहीं हो सकी है। मऊगंज में महिला के उपचार चल रहा है। PI महोदया है श्वेता मौर्य जी, मैं उनसे बात किया और उनको तत्काल इस संबंध में उनको जानकारी दी, और इसके बाद मैंने अपने जो साथी हैं उनको बताया तो वो चद्दर उद्दर लेके पहुँचे वहाँ पे, और मैडम भी 15-20 मिनट बाद पहुँच गई और उनको तत्काल लदवा के अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे डॉक्टर गहरवार जी, डॉक्टर SG कोल और सारी टीम ने उनका ट्रीटमेंट किया और अभी वो जीवित हालत में आज सूचना मिली है कि हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि ये किसके यहाँ की हैं, इनके परिजन कौन हैं, अभी तक इसका जानकारी अभी नहीं मिला है। मध्य प्रदेश सरकार गांव-गांव में बिजली पहुँचावे के दावा करा थी वह सरकार के दावन के पोल खुलत एक तस्वीर सामने आवल लाही बह हनमना तहसील से, जहां के अर्जुनपुर गांव में ही आज़ादी के 74 साल के बाद अब बिजली नहीं पहुंच पाई है। अपना बताए कि बिजली न पहुंचे के कारण राजनीतिक संरक्षण मिला ठेकेदार के मनमानी आए, जो उपभोक्ता से बिजली के पोल खड़ा करे के नाम पर पैसा के मांग कर रहा हम। अतने नहीं जब जागरूक उपभोक्ता पैसा का दे से मना कर दिन तो उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराए के भुगतान जबरई ले के प्रयास की जाला है। एकर ऑडियो युवक उपलब्ध कराए नहीं हुए, आई सुने थे ऑडियो में ठेकेदार और युवक के बीच में कौन मेर के बातचीत हो रही है। फोन सबसे ज्यादा अपना लगाए थे तो पैसा 5,000 मना हो, 7-8,000 खर्च हो तो खर्च कर दी बात हो पाई तो अपना देखी ठाकुर ठगा 5-10,000 रूपए हमारे लगे है तो हम बताए की अपना 5,000 सीखे हैं तो 5,000 हम कहे हैं तो सुनी हम बात कर लागी अब गिट्टी जब बालन के लाए थी तो हमारे लगे फोन तो कौन लगाए, हमारे लगे तो फोन अपने लगाए थे, फोन लगाए ना प्रयास कर रहे हैं हम लगाए ना प्रयास कर रहे हैं तो खर्चो अपने करी। मेरा नाम आलोक सिंह है और मैं ग्राम पंचायत अर्जुनपुर हनमना का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो कि अक्टूबर मंथ में लगाया गया है। ये ट्रांसफार्मर में पोल गाड़ दिया गया है और ट्रांसफार्मर बैठा दिया गया है, लेकिन अभी केबल कनेक्शन नहीं किया गया है। केबल कनेक्शन न करने का मेन कारण है ठेकेदार चंचल द्विवेदी द्वारा मेरे से 8,000 रुपये की मांग की जा रही है, जो कि हमने नहीं दिया। इस मैटर में हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विभागीय काम है, सारे पैसा उनको विभाग से मिल जाएंगे, तो हमने उन्हें पैसा नहीं दिया। तब इसके द्वारा ठेकेदार के द्वारा वो कार्य को यानी कंप्लीट नहीं किया गया, केबल कनेक्शन का कार्य रोक लिया गया है। राज्य स्तरीय समारोह में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राशि किसानन के बैंक खाते में जारी कर दी नहीं भाई। एक कार्यक्रम के प्रसारण प्रदेश भर के साथ है रीवा में दिखावा जाइए। अपने बता दें कि रीवा में 14,050 किसानन का ही 16,67,00,000 रुपये के वितरण की जाये। समारोह दोपहर 12 बजे से आरम्भ जी की ओर से माननीय कृषि मंत्री जी का इस कार्यक्रम में जो वर्चुअली जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम आत्मीय स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों श्री अजित केसरी जी, नमन आग्रह करना चाहते हैं DDA श्री के पी भगत जी तथा अन्य अधिकारियों से कि आप मंचा सिंह सभी खरीफ वर्ष 20 और रबी 2020-21 की फसल क्षति दावा राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैतूल जिले से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि जारी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देश थे कि प्रत्येक जिला स्तर पर कृषि उपज मंडियों में आयोजन करें। तो भाई अभी नहीं आज के बुलेटिन में इतना, बघेली में खबर देखे कलाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार, तब तक कलाने दे इजाजत, नमस्कार।